काइन मास्टर वीडियो एडिटर ऐप से दोस्तों कुछ इस तरह का डू इट रिएक्शन वीडियो कैसे बनाते हैं, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, पूरा का पूरा डिटेल्स के साथ बताएंगे। आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स वाले जो शॉर्ट्स पे डालिएगा इस तरह का डू इट वीडियो, आप काइन मास्टर वीडियो एडिटर से अच्छा डू इट वीडियो एडिटिंग करके आप यूट्यूब के शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे इजी से डाल पाइएगा जो आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब पे डू इट वीडियो आप बहुत सारे देखते होंगे, बट जो वो सारा का सारा जो वीडियो एडिटिंग के माध्यम से बनाया जाता है। यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे कहीं भी आपको डू इट करने का ऑप्शन नहीं रहता, जो आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस तरह जो आप काइन मास्टर वीडियो एडिटर ऐप से एडिटिंग करके डू इट वीडियो अच्छा से अच्छा बना के आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे यानी शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे यानी यूट्यूब चैनल पे आप इजी से डाल पाएंगे। सिंपल से इसके लिए सिंपल से आपको करना है इस तरह यहाँ पे काइन मास्टर ऐप को यहाँ पे ओपन किया, काइन मास्टर को इस तरह ओपन किया, उसके बाद देखिए पूरा का पूरा ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल से आपको करना क्रिएट पर क्लिक करना। जैसे क्रिएट पर क्लिक करें आपके सामने फिर से यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक ना। तो आपको सिंपल से करना है क्रिएट पर क्लिक करना। जैसे न्यू क्रिएट पर क्लिक करेगा आपके सामने सबसे पहले यहाँ साइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जो कि आपका डूइट वीडियो का साइज। तो यहाँ पे आपको करना है ये साइज आपको देखें 960 ये आपको साइज सेलेक्ट करना, ताकि आपका जो डूइट वीडियो शॉर्ट्स फीड में इजी से चले, ठीक ना। तो इसके लिए सिंपल इस पर हम क्लिक किए, उसके बाद नीचे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपल से करते हैं क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन चले आएगा, जैसा कि पूरा का पूरा मेरा ग्राफ जो है पे देखिए गैलरी वगैरह सारा का सारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि आप जो वीडियो क्लिप है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप डू इट वीडियो बनाना चाहते हैं, किसी के बगल में अपना वीडियो लगाना चाहते हैं, तो वो वीडियो क्लिप्स को पहले आपको डाउनलोड करके रख लेना अपने फोन गैलरी में, कहीं से कोई भी वीडियो आपको पसंद आता है उसके बगल में अपना वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो वीडियो क्लिप्स पहले आपको डाउनलोड करके फोन गैलरी में रख लेना। और सेकंड में आपको करना क्या कि आपको करना क्या अपना जैसा भी रिएक्शन देना चाहते हैं उस वीडियो पे, तो उस तरह का वीडियो अपना भी एक अपने फोन के कैमरे से रिकॉर्ड कर लेना। तो यहाँ से क्या हम यहाँ पे एक ऑलरेडी वीडियो को डाउनलोड करके रखा है अपने फोन गैलरी में, तो यहाँ से वो वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं, करते क्या चलिए वो ये जहाँ ये फाइल और ये रहा वीडियो, वीडियो पे क्लिक किया, उसके बाद ओके पे क्लिक किया, ये वीडियो देखिए यहाँ पे मेरा ये वीडियो यहाँ पे चले आया। तो यहाँ से आप करते क्या पूरा कपड़ा यहाँ से कट पे क्लिक करते, जैसे कट पे क्लिक किया देखिए ये मेरा कुछ वीडियो यहाँ पे इस तरह चले आया। तो थोड़ा सा बैक कर लेते, देखिए ये मेरा वीडियो वीडियो क्लिप यहाँ पे चले आया, देखिए ये पूरा कपड़ा वीडियो क्लिप आया, लेकिन इसी के बगल में अपना वीडियो लगाएंगे। तो अपना वीडियो लगाने के लिए इसके बगल में एक जगह बनाना होगा, उसके लिए सिंपल से करना पहले जो वीडियो यहाँ देखिए वीडियो क्लिप यहाँ पे डाउनलोड किया यहाँ पे एड किया वो वीडियो पे क्लिक करना, उसके बाद करना अपने उंगली की मदद से थोड़ा सा छोटा की जगह, तो ये छोटा नहीं होगा। तो यहाँ से आपके सामने पेन एंड जूम का ऑप्शन आएगा, यहाँ से पेन एंड जूम का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से कहते क्या ये मेरा इस तरह कर देते, उसके बाद यहीं पे आपके सामने पेन एंड जूम का ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पेन एंड जूम का ऑप्शन आ गया, यहाँ से आपको करना पेन एंड जूम पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे देखिए मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल से करना ये मर्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ताकि दोनों का पोजीशन एक बराबर रहे। उसके बाद आपको उंगली की मदद से इस तरह करना छोटा करके इस तरह इसे करना क्या इस तरह छोटा कर देना, इसे खींच के यानी अपने हिसाब से इसे छोटा करना, ताकि ये वीडियो इसके बगल में अपना वीडियो लगा पाए। चलिए ये इस तरह हम करते क्या इसे छोटा कर देते फटा से, चलिए ये और थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि इसके बगल में अपना मेरा वाला वीडियो लग पाए, देखिए इस तरह छोटा करके और थोड़ा सा, चलिए चलो भाई फटाफट से छोटा हो जाए, चलिए ये मेरा छोटा हो चुका। अब इसके बगल में अपना वीडियो लगाए, तो यहाँ से थोड़ा करते बैक होना आपको, फिर से एक बार बैक होना, ये बैक हो जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने देखने को मिलेगा, देखिए ये एक हो गया, इसके बगल में पूरा ऊपर जगह खाली और ऊपर में जगह खाली और नीचे भी जगह खाली। तो यहाँ से आपको करना के ऊपर में जो भी लिखना चाहेंगे ये जगह जो खाली है यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें इमोजी वगैरह लगाना चाहिए इमोजी वगैरह भी आप लगा पाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले करते अपना वाला वीडियो क्लिप लाएंगे, जो भी अपना वाला जो आपको बोले कि आपको अपना कैमरा की मदद से जैसा भी रिएक्शन देना चाहते उस तरह का रिएक्शन आपको अपने कैमरे की मदद से रिकॉर्ड कर लेना, ठीक, उसके बाद अपने फोन के लिए में रख लेना। उसके बाद यहां से करते हैं क्या आप लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो वीडियो को लाने के लिए, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद आपको यहां पे मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा फिर से आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पे मेरा है, तो यहां से हम जो वीडियो क्लिप रखे हैं तो वो वीडियो क्लिप में वो फाइल पे चला जाता है और ये मेरा वीडियो है, वीडियो पे क्लिक किया ये वीडियो मेरा यहां पे ऐड हो चुका है जैसा कि स्क्रीन पे आपको देखने को मिला। और उसके बाद आपको बैक हो जाना, यहां से करना क्या आपको अपना वाला भी वीडियो को छोटा कर लेना ताकि इसके बगल में लगा पाए। यहां से करते हैं कोने में करके इस तरह आपको यहां पे छोटा कर लेते हैं, देखिए वहां पे तो पेन एंड जूम करना पड़ा था लेकिन ये लेयर पे लगाए तो इसीलिए अपने यानी कोने में ही ऑप्शन दे दिया छोटा बड़ा करने का। चलिए इस तरह हम करते क्या छोटा कर लिया, उसके बाद इसको करते क्या एक साइड में यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, चलो भाई एडजस्ट, लेकिन यहाँ पे मेरा थोड़ा बड़ा वीडियो था तो इसे और भी छोटा करना था। चलिए देखिए कितना है, इस तरह मेरा पूरा का पूरा वीडियो एड हो चुका है, थोड़ा सा प्ले करके हम आपको दिखा लेते हैं। चलिए यहाँ से करते क्या प्ले किए, देखिए कुछ इस तरह है मेरा यहाँ पे वीडियो बनके रेडी हो चुका। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि अपना जो वीडियो बनाएगा तो अपने से अच्छा से एडजस्ट कीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम जो आपको बताने के लिए एडजस्ट कर देते हैं तो थोड़ा सा
कट भी हो सकता है, तो आपको ध्यान में रखना कि अपना वीडियो बनाइएगा वो आपको अलग से करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा वीडियो पूरा बनकर रेडी हो चुका है, और यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, और ये हो गया आपका फर्स्ट पोजिशन, और ये हो गया आपका लास्ट पोजिशन। फर्स्ट पोजिशन में देखिए दोनों वीडियो का जो अपना वीडियो यहाँ पे एड किया है, ये वीडियो को खींच के पूरा फर्स्ट पोजिशन में लेकर आना, उसके बाद लास्ट पोजिशन भी देख लेना कि जब वीडियो मेरा खत्म हो, यानी फर्स्ट वाला जो वीडियो खत्म हो, तो सेकंड वाला मेरा जो वीडियो है ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटाएंगे। तो इसके लिए सिंपल से करना, जिस पार्ट को कट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, उस वीडियो पे क्लिक करना, उसके बाद यहीं पे आपके सामने स्प्लिट का ऑप्शन है, ट्रिम स्प्लिट, तो अपना इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करिएगा आपके सामने तीन ऑप्शन आएगा, जिस भाग का भी यानी जिस पार्ट को आप कट करके हटाना चाहते हैं वो पार्ट को कट करके हटा दे। देखिए यहाँ पे हमें करना है ट्रिम राइट, इस तरह राइट साइड वाला, तो कहेंगे कि बीच वाला ट्रिम राइट का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप लेफ्ट साइड वाला कीजिएगा तो ऊपर में ट्रिम लेफ्ट का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल से कर ट्रिम राइट पे क्लिक किया, जैसे हम इस पर क्लिक किए हमारे सामने देखिए ये इस तरह मेरा देखिए एक्स्ट्रा पार्ट मेरा कट के हट चुका है। तो आप यहाँ से जो भी आप लिखना चाहें तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं, उसके लिए सिंपल से आपको करना है कुछ लिखने के लिए वेट फॉर इंड वगैरह इस तरह लिखना चाहते हैं, यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, जैसे लेयर वाले उसके बाद यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल से जो भी आप लिखना चाहें टेक्स्ट पे क्लिक करके, चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या वेट, चलिए वेट फॉर इंड, चलिए इंड लिख दिए, ओके पे क्लिक किया, ये पूरा का पूरा मेरा वेट फॉर इंड यहाँ पे चले आया। तो थोड़ा सा आपको करना ऊपर में जो भी रखना जहाँ पे रखना चाहे इसे इस तरह करके छोटा बड़ा कर लेना, इस तरह छोटा बड़ा करके इसका जो भी कलर रखना चाहे वो कलर रख सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट यहाँ पे फॉन्ट भी आ रहा है, इसका जो भी डिजाइन वगैरह रखना चाहे वो डिजाइन भी रख सकते हैं। यहाँ से पहले करते क्या कलर देखें, यहाँ पे नीचे में कलर का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल से करेंगे कलर पे क्लिक करेंगे, जैसे कलर पे क्लिक किया जो भी आप कलर रखना चाहते हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, वो कलर देखिए ये कलर में आ चुका था। आपको इसका भी बोल्ड करना चाहते हैं फॉन्ट पे क्लिक करके एंड्रॉइड पे क्लिक किए, उसके बाद जो भी आप बोल्ड रखना चाहते हैं इस तरह बोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा मेरा बोल्ड हो चुका है देखिए इस तरह। उसके बाद इसको करना, इस टेक्स्ट को अगर हिलाना डोलाना चाहते हैं तो आपके सामने यहाँ एक ऑप्शन है बीच वाला जो आ रहा है एनिमेशन का, आपको करना है इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ से बहुत सारे आपके फिल्टर जैसा भी आप करना चाहें यहाँ पे करते हैं ड्रॉपिंग पे क्लिक करते हैं, जैसे जैसे ड्रॉपिंग पे क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का हिले डे डुलेगा। उसके बाद हमको क्या क्या बैक हो गया, बैक हो जाने के बाद इस तरह आपको करना है इस वाला जो आप टेक्स्ट लिखे हैं इसको भी खींच कर करना है, इसे पूरा का पूरा फर्स्ट पोजिशन पर कर देना और इसको वीडियो का लास्ट पोजिशन, ताकि आपका पूरा का पूरा वीडियो पे है। ये पूरा का पूरा मेरे बन के रेडी हो चुका है, चलिए हमें प्ले करते देखिए, ये देखिए ऊपर में मेरा टेक्स्ट भी हिल डोल रहा है। तो इस तरह आपको करना है, इमोजी वगैरह लगाना चाहते हैं इमोजी भी यहाँ से आप लगा पाएंगे नीचे में, ठीक है ना। ये आपका डूड वीडियो पूरा का पूरा रेडी बनके हो चुका है, इमोजी लगाना चाहते हैं आप इमोजी रख के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नीचे में, ठीक है। उसके बाद आपको करना है कि इस वीडियो के ऊपर में सेव का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल से करना है कि यहाँ एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने यहाँ सेव एज वीडियो का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको करना सेव एज वीडियो पे क्लिक करना, जैसे सेव एज वीडियो पे क्लिक कीजिएगा ये जो वीडियो है आपके फोन गैलरी में सेव हो जाएगा। आप और भी अच्छा से अच्छा डूड वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट के अंदर में जाकर देख सकते हैं, इस प्लेलिस्ट के अंदर में लगभग 50 से प्लस वीडियो बनाए हैं जो कि डूड वीडियो किस तरह बनाया जाता है, कौन कौन सी वीडियो किस तरह बनाए हैं, सारा का सारा डिटेल्स में बताएं, इस प्लेलिस्ट के अंदर में जाके आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब दूसरे वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।